अपने देख रहा छी टीवी टुडे टुडे समाचार में अपने के स्वागत आयश प्रणाम हम ज्योति शुरू करी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अविलंब राजीनामा देव कहलन नेकपा दहाल नेपाल समूह के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र झा संबंधी समाचार सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दहाल नेपाल समूह के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र झा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अविलंब राजीनामा देव पड़बाक बतौलन। ओ समूह बुध दिन जनकपुर धाम में निकालने विजय जुलूस के कौन सभा के संबोधन करते पूर्व मंत्री समेत रहल छा प्रधानमंत्री ओली के इज्जत बचाव लेल सेहो राजीनामा देव सुझाव देने छन। नेता झा नेपाली जनता प्रतिगामी शक्ति के एक बेर फेर परास्त देखौला से प्रधानमंत्री ओली के नैतिकता के आधार में राजीनामा देव पड़बाक बतौलन। ओ आब नेपाली राजनीति में ओली के कोनो काज नहीं रहला सा राजनीति से संन्यास लेब पड़बाक सुझाव समेत देलन। झा कहलन पार्टी अहाँ के साधारण सदस्य समेत नहीं रहबाक जका कार्यवाही कऽ चुकल अछि। इज्जत बचाव लेल सही राजीनामा दियो, बालकोट जाकर भूजा फाकू ग। ओ ओली जेहन नेता के नेपाली राजनीति में कोनो काज नहीं रहल समेत बतौलन। नेता झा पार्टी में चोर डके तथा फटा सबके कोनो काज नहीं रहला सा ओहन सबके पार्टी में स्थान नहीं देव बतौलन। ओ कहलन नेपाली जनता के ई जीत आ पार्टी के एक संग भ क आगू बढ़ाव पड़त, तैं लक पार्टी से चोर डकैत फटा सबके बाहर के बात देखाव पड़त। नेता झा प्रदेश दू के प्रदेश प्रमुख राजेश झा के समेत दू दिन भीतर जनकपुर धाम छोड़ हेतु चेतावनी देने छथि। ओ कहलन दू दिन भीतर अपने स्वयं जनकपुर धाम छोड़ कर चल जाओ, नहीं तो हम सब कालो मसो लगा कर खियार कर भगाएब। कौन सभा आगू दहाल नेपाल समूह के जनकपुर धाम स्थित पार्टी कार्यालय से निकलल विजय जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत जनक चौक में पहुँचल छल। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के लिए खुशियाली में बुध दिन राजविराज में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अबीर यात्रा के संग विजय जुलूस निकाललक। प्रधानमंत्री केपी ओली के राजीनामा मांग करैत सदर मुकाम राजविराज नगर के विभिन्न भाग में जुलूस परिक्रमा के लिए छल। सर्वोच्च अदालत के फैसला से जनता के जीत भेल कहैत उल्लास के संग निकालल गेल जुलूस में जनता समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण के समेत उल्लेख्य सहभागिता रहल छल। नगर परिक्रमा बाद जन आंदोलन चौक में पहुँच कर आयोजना कैल गेल सभा में राष्ट्र सभा के सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी के नेता मृगेंद्र कुमार सिंह यादव प्रधानमंत्री उठाने असंवैधानिक कदम के अदालत उल्टा दिलाक बाद लोकतंत्र के रक्षा भेल आ देश संभावित दुर्घटना से बचल बतौलन। सम्मानित सर्वोच्च अदालत बाटा हिजो जुन फैसला भयो निश्चित रूपमा यो संविधान को रक्षा र नेपाली जनता को जीत भएको छ, त्यसैले हामी चाहिँ विशेष यो मनाउन विजय जुलूस मनाउन थालेका छौँ। नेपाली जनता को जीत हो यो, प्रतिगमन को हार भएको छ, प्रतिगमनकारीहरू हारेका छ र संविधान को रक्षा संविधानवाद को र संविधान को सर्वोच्चता र कानूनी राज को अवधारणा ले। कार्यक्रम में उही पार्टी के नेत्री तथा पूर्व मंत्री रेणु यादव अदालत के फैसला से विधि के शासन स्थापना भेल कहित अइ खुशियाली में जनता के व्यापक सहभागिता में विजय जुलूस निकालल गेल बतौली। यो देश में जो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम प्रधानमंत्री घर ओली जो उठाने भएको थियो इसको विरोध में हमी आंदोलन करते आया थियौ र आज सर्वोच्च ने जो निर्णय सुनाएको छ यसले हाम्रो देश में जो दुर्घटना होने बाट हाम्रो देश जोगिएको छ र विधि को शासन हामी स्वीकार गरेर आज जो कानूनी राज्य को जो अवधारणा थियो सर्वोच्च को निर्णय बाट हामी आज खुशियाली मनाएका छौँ र यो देश विधि में चल्नु पर्छ, कानून में चल्नु पर्छ भनेले यो पूरे जनता ले यो मैसेज गएको। उल्लासक संग आयोजित जुलूस में सहभागी सब एक आपस में रंग अबीर लगबैत होली के जेहन माहौल बनल छल। जसपा नेता सुनील झा के अध्यक्षता में आयोजित सभा के प्रतिनिधि सभा सदस्य चंद्रकांत चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन, केंद्रीय सदस्य अशोक यादव, युवा नेता विनोद यादव लगायत सेहो संबोधन करैत अदालत के निर्णय के स्वागत करैत प्रधानमंत्री ओली नैतिकता के आधार में अविलंब राजीनामा कर पड़बाक मांग केने छल। जनकपुर धाम में आगामी बैसाख 20-28 गते धरि श्री राम कथा प्रवचन के आलोचना होयत। श्री राम कथाकार विद्वान मुरारी बापू द्वारा 9 दिन धरि एत राम कथा प्रवचन होयत मिति तय भेल अछि। मुरारी बापू के मुखार बिंदु से होबय वाला राम कथाक लेल 3 स्थान के स्थलगत निरीक्षण कयल गेल। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष निर्मल कुमार चौधरी जानकारी देने छथि।
और रामकथा स्थल के लिए जानकी मंदिर के प्रांगण 12 बीघा मैदान आ तिरहुतिया गाछी के आयोजक सब निरीक्षण केने बतौलन। ओ तीनूटा ठाम में सबसे बेसी उपयुक्त तिरहुतिया गाछ रहल ठहर कैल गेल। अबेर आयोजन होबय लागल रामकथाक मुख्य अजमान भारत मुजफ्फरपुर निवासी रहल बतौल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोरोना खोप अभियान के पहिल प्राथमिकता के प्रारंभिक तथ्यांक सार्वजनिक कलक। तथ्यांक अनुसार नेपाल में मंगल दिन धरि कुल जनसंख्या के 1.4% व्यक्ति खोप लगा चुकल। अखन धरि कुल जनसंख्या मध्य 429,705 गोटे कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगौने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौने। भारत अनुदान में उपलब्ध कराने 10 लाख डोज मध्य 429,705 गोटे खोप लगौने। माघ 14 से 24 गते धरि संचालन भेल पहिल चरण के खोप अभियान अंतर्गत 1,85,865 गोटे स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, एम्बुलेंस चालक आ सब वाहन चालक खोप लगौने। तहिना दोसर चरण में माघ 26 से 30 गते धरि संचालित खोप अभियान अंतर्गत कूटनीतिक नियोगक कर्मचारी आ पत्रकार क 3,480 गोटे खोप लगौल। फागुन 2 से 10 गते धरि नापी जिला प्रशासन कार्यालय लगायत में काज के निहार निजामती कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी क 2,40,360 गोटे खोप लगौने स्वास्थ्य सेवा विभागक महानिर्देशक डॉक्टर दीपेंद्र रमन सिंह जानकारी दिलायत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद से राजीनामा देव तैयार। बुध दिन बालवाटार में बैसल ओली निकट स्थायी समिति बैसार बाद संचारकर्मी संघ के बातचीत में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली सम्मुख प्रवक्ता प्रदीप गेवाली ओहि बात के संकेत देने छथि। प्रधानमंत्री ओली अन्य दल सब संग विमर्श क के राजीनामा करबाक तैयारी केने बुझ में आयल। गेवाली कहलन दल सब संग परामर्श आ सुझावक आधार में प्रधानमंत्री निर्णय करथिन। ओली पक्ष के स्थायी समिति बैसार काल से बैसत बताओल गेल। आई वर्षक एसईई परीक्षा जेठ 2 हफ्ता भीतर समाप्त होयत। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आई वर्ष के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आगामी जेठ के 2 हफ्ता भीतर समापन करबाक जिका संचालन करबाक तैयारी शुरू केने अछि। शिक्षा नियमावली के नवम संशोधन के सदर करैत मंत्रिपरिषद जेठ मसांत भीतर चालू शैक्षिक सत्र समाप्त करबाक आखार 1 गति से नया शैक्षिक सत्र शुरू करबाक निर्णय केने संगे बोर्ड एसईई जेठ के 2 हफ्ता भीतर समाप्त करबाक तैयारी में जुटल अछि। परीक्षा नियंत्रक रामराज खकुरेल जेठ 2 हफ्ता भीतर परीक्षा समाप्त कर जका तैयारी में जुटल बतौलन। ओ कहलन फिलहाल त बोर्ड मीति तय नै केने अछि मुदा जेठ 2 हफ्ता भीतर परीक्षा समापन करबाक तैयारी कऽ रहल छी। सरकार फागुन 3 गते राजपत्र में सूचना जारी कऽ शिक्षा एन जारी नहीं होब धरि एसईई संचालन के अधिकार बोर्ड के देने अछि। परीक्षा संचालन के अधिकार प्राप्त केलाक बाद बोर्ड एहि वर्ष सेहो केन्द्रगत रूप में प्रश्न पत्र छपाई करत। एहि के लेल प्रक्रिया में जा चुकल परीक्षा नियंत्रक खकुरेल बतौलनि बोर्ड में आयल प्रारंभिक रिपोर्ट अनुसार एहि वर्ष के एसईई में नियमित ग्रेड वृद्धि सहित करीब 5 लाख विद्यार्थी एसईई में संलग्न होयत। विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के राजीनामाक मांग केने अछि। संसद पुनर्स्थापना करबाक सर्वोच्च के फैसला के स्वागत करैत ओ पार्टी आब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा देबय करबाक मांग केने अछि। प्रधानमंत्री ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति केने संसद विघटन सर्वोच्च अदालत बदर केलाक बाद वक्तव्य जारी करैत विवेकशील साझा आब नैतिकताक आधार में ओकरा सबके तत्काले राजीनामा देबय करबाक बतौने अछि। ओ पार्टीक प्रवक्ता शरदराज पाठक जारी केने विज्ञप्ति में विगत में अपना काज कर नहीं सकल स्वीकारोक्तिक आधार में प्रधानमंत्री आप कोनो भी प्रकारक अवांछित चल खेल नहीं कक सांसद से नया सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त कर पड़बाक मांग कैल गेल। संविधान के रक्षा करबाक दायित्व के रत्ती भर ख्याल नहीं कक प्रधानमंत्री हरेक असंवैधानिक कदम के रबर स्टैंप सरह सदर करैत संग देने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी सेहो तत्काल पद से राजीनामा देबय पड़बाक आवश्यकता रहल विज्ञप्ति में कहल गेल। नेपाल में बुध दिन थप 94 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 273,760 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेल। हाल धरि नेपाल में 2,066 गोटे कोरोना के कारण जान गुमौने। तहिना थप 71 गोटे कोरोना मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने। एहि संगे नेपालक कोरोना संक्रमित के जितनिहार के संख्या 270,139 पहुंचल। हाल 1,555 गोटे आइसोलेशन में आ 63 गोटे क्वारंटाइन में छथि। तो हाल धरि 21,50,225 टा पीसीआर कैल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने। आई सॅ अनशन बैसब घोषणा केने डॉक्टर गोविंद केसी अनशन स्थगित केने छथि।
सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के फैसला के संगे ओ अनशन स्थगित के लाइन प्रधानमंत्री केपी ओली के असंवैधानिक कदम विरुद्ध आंदोलन करबाक डॉक्टर केसी के घोषणा छलन। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भेल संगे केसी पत्रकार सम्मेलन करैत आई अनशन स्थगित के जानकारी करौलनि। चिकित्सा शिक्षा सुधारक अभियंता केसी तत्कालक लेल संविधान ऊपर प्रधानमंत्री ओली के प्रहार सर्वोच्च अदालत निस्तेज कऽ देला सँ सत्याग्रह स्थगित के जानकारी करौने छनि। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्रक विभिन्न समझौता कार्यान्वयन नहीं होब धरि सत्याग्रही अभियान तथा नया सरकार के जवाबदेही बनाबक अभियान जारी रहत ओ बतौलनि। आब नेपाल से भारत भ्रमण के जायवला यात्रु के कोरोना परीक्षण के निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कल गया। पीसीआर परीक्षण पश्चात निगेटिव रिजल्ट आयल तो रिपोर्ट के ऑनलाइन में अपलोड क मात्रे भारत भ्रमण कर लेल कहल गया, नहीं तो रोक लगल जाए। ऑनलाइन अपलोड नहीं क यात्रा कल गेल में यात्रा अनुमति नहीं पेबाक भारतीय हेल्थ तथा फैमिली वेलफेयर मंत्रालय जनौने। नेपाल से भारत के लिए अखन नेपाल एयरलाइंस आ एयर इंडिया उड़ान कर रहा है। भारत से पहले पीसीआर रिपोर्ट आ सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म संग में लजौल गेल में प्रवेश अनुमति दी आयल छल, मुदा आब ई दोनों फार्म ऑनलाइन अपलोड कर पड़बाक नियम बनाल गया। यात्रु ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल में जाकर सेल्फ डिक्लेरेंस फार्म अपलोड कर पड़त। दोसर दिस पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आयल यात्रा करस आगू के 72 घंटा भीतर के रिपोर्ट समेत ऑनलाइन अपलोड क यात्रा कर पड़बाक नियम भारत सरकार अनलक। यात्रु ई दुनू कागजात नया दिल्ली स्थित विमान स्थल के वेबसाइट में जाकर अपलोड क सकैत अछि। पशुपतिनाथ के मूल शिवलिंग के जलहरी फेरल गया। रण बहादुर शाह चढ़ौनी चांदी के जलहरी विभिन्न ठाम में फुटलाक बाद हाल सोना के जलहरी से ओ के प्रतिस्थापना कल गया। बुध दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के उपस्थिति में पशुपतिनाथक शिवलिंग के सोना के जलहरी से झांपल गेल पशुपति क्षेत्र विकास कोष जनौनी। पशुपतिनाथ में सोना के नया जलहरी रखबाक क्रम में भेल क्षमा पूजा के राष्ट्रपति भंडारी से औपचारिक रूप में समापन सेहो कयल गेल। कोषक सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल क्षमा पूजा के समापन तथा विशेष पूजा कयल गेल जानकारी देलनि। नया जलहरी रखबाक क्रम में शिवलिंग के कोनो क्षति नहीं भेल ओ जानकारी देलनि। मिलाइएको छ र दिउँसो भोगको समयमा र जुन मन्दिर ढोका साँझको आरती नहुने बेलासम्म बन्द रहेको हो, अन्यथा निरन्तर रूपमा नै चलिरहेको छ। र आजको यो दिनमा चाहिँ एउटा सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूले हाम्रो देवादिदेव आस्थाका धरोहर भगवान पशुपतिनाथमा जुन एउटा समर्पण। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निर्देशन में चांदी के जलहरी ऊपर सोना के नया जलहरी राखल गया। 108 किलो के जलहरी निर्माणक लेल कोष राष्ट्र बैंक से 104 किलो सोना किने अछि, बाकी 4 किलो चांदी तथा तामा मिलल गया। जलहरी के लेल आवश्यक सोना खरीद कर प्रधानमंत्री ओली गेल माघ 12 गते पशुपतिनाथ के दर्शन के समय घोषणा के अनुसार सरकार 30 करोड़ रुपया देने अछि, बाकी 60 करोड़ रुपया कोष खर्च कलक अछि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेलत वे हम ज्योति गदिया जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।